सो गाइस आज की इस वीडियो अंदर हम लोग बात करने वाले मोबाइल फ़ोन चार्जिंग प्रॉब्लम के बारे में। जैसे गाइस आप लोग अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हो लेकिन आप लोग का फ़ोन यहाँ पे चार्ज नहीं हो रहा है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ ये वाला प्रॉब्लम अभी के टाइम पर देखो मिल रहा है, जहाँ पर आप लोग अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हो लेकिन आपका फ़ोन यहाँ पर चार्ज नहीं उठा रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो अंदर हम लोग बात करने वाले कैसे इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, और ये प्रॉब्लम गाइस अगर आपका रियलमी फ़ोन के अंदर हो रहा है, फिर वीवो के अंदर हो रहा है, ओप्पो के अंदर हो रहा है, पोको के अंदर हो रहा है, ठीक है, किसी भी फोन के अंदर हो रहा है, सभी फोन के अंदर ये ट्रिक वर्क करने वाला है, ये सॉल्यूशन वर्क करने वाला है। इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रियलमी का फोन है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इस फोन के अंदर मैं आपको वर्क करके दिखाने वाला हूँ कि ये फोन चार्ज क्यों नहीं हो रहा है और ये फोन चार्ज कैसे होगा। ठीक है, चलो गाइस आप लोगों को सब कुछ अच्छे से बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जितने बंदे चैनल पर पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, इससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलो गाइस हम लोग बात करते हैं किस टाइप से इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखो इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बताऊंगा उसको ध्यान दे देख के ध्यान से फॉलो करना। ठीक है, सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करना, आप फोन का जो सेटिंग हुआ सेटिंग को यहाँ पे ओपन कर लेना। ठीक है, सेटिंग को ओपन करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले गाइस जाना नीचे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे मिलेगा अबाउट फोन का ऑप्शन, इस पर टैप करना है। ठीक है, इस पर टैप करने के बाद आप लोगों को चेक करना है कि आपका फ़ोन यहाँ पे अपडेट मांग रहा है या फिर नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा फोन यहाँ पे अपडेट मेरा अभी चेक इन हो रहा है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा फोन यहाँ पे अपडेट मांग रहा है, तो उसको मैं फटाफट से क्या करता हूँ अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपका ही फोन यहाँ पे अपडेट मांग रहा होगा तो पहले आप लोगों को क्या करना है, अपडेट कर लेना है। जी हाँ गाइस, आप लोग अपडेट करोगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इशू होगा ये ऑटोमेटिक से फिक्स आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा गाइस आप लोग चेक करना कि अगर आपका फोन अपडेट मांगता है तो पहले आप लोगों को अपडेट कर लेना है, क्योंकि आपको हमेशा लेटेस्ट वर्जन मिलेगा और आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जब भी आपका फोन अपडेट मांगता है तो आपको फोन को अपडेट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को ये चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करना कि आप लोग ना अपने फ़ोन का जो डाटा केबल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको चेक करना कि ये ठीक है या फिर ख़राब है, क्योंकि देखो कई बार ये भी ख़राब होता है जिस कारण से ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो दूसरे फ़ोन के अंदर एक बार लगा के चेक करना, दूसरे फ़ोन के अंदर उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। अगर दूसरे फ़ोन के अंदर ये डाटा केबल उठा रहा है तो आपका फ़ोन का जो पिन होगा ये वाला पिन, ठीक है, ये पिन, ठीक है, इसको आप लोग एक बार साफ़ सुथरा कर लेना। ठीक है, इसको एक बार साफ़ कर लेना, कुछ ब्रश से कर लेना या फिर फूक मार देना, ये ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्स इसको साफ कर लेना, उसके बाद आप लोग क्या करना अपने फ़ोन के अंदर लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा फ़ोन के अंदर यहाँ पे अपडेट मैंने जैसे भी लगाया था ये अपडेट मेरा भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्टेप्स अपडेट मेरा कंप्लीट होने वाला है और मैं इसको अपडेट करके भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम इसी टाइप से सॉल्व होगा जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होता, ये आप लोग फूक मारते हो, ठीक है, ये सब कुछ करते हो, चार्जिंग में लगाते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी मतलब सॉल्व नहीं होता है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को भाई अपने घर में मिस्त्री नहीं बनना है। ठीक है, आप लोगों को सर्विस सेंटर चले जाना है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई भी डिफॉल्ट कोई भी इशू होता है तो आप लोगों को मैं जो स्टेप बता रहा हूँ उसको ही फॉलो करना है। बस आप लोगों को डाटा केबल चेंज करके देखना है, डाटा केबल से नहीं होता है एक बार इसको साफ ब्रश से साफ करना या फिर फूक मार देना, अगर नहीं होता है, अगर अपडेट करके देखना फिर भी नहीं होता है तो आप लोग क्या करना है, सर्विस सेंटर जाना, सर्विस सेंटर में जाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा लेना। क्योंकि देखो अगर आप लोग किसी लोकल दुकान में जाओगे तो आपका फ़ोन का तहस नहस कर देगा, आपका फ़ोन ऑलरेडी ख़राब करके दे देगा। इसलिए भाई आप लोग लोकल दुकान में मत जाना, सर्विस सेंटर जाना, आपको प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व करके वो लोग दे देगा। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे अपडेट आ चुका है। ठीक है, अपडेट कंप्लीट होने वाला है तो मैं अपडेट करके एक बार चार्ज में लगा करके देख लेता हूँ कि मेरा काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ 99% हो चुका है मेरे लोग का अपडेट और थोड़ा सा और बच रहा है। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे फाइनली हम लोग का जो अपडेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अपडेट कंप्लीट होने के बाद कुछ नहीं, आपको नीचे जो इंस्टॉल का ऑप्शन मिला है इस पर टैप करना है। ठीक है, इस पर टैप करने के बाद ये ऑटोमेटिक से इंस्टॉलिंग लेना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है, फोन यहाँ पे ऑटोमेटिक से स्विच ऑफ होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक से यहाँ पे ऑन होगा। ठीक है, तो आप लोग को बस थोड़ा सा वेट कर लेना है। गाइस यहाँ पे फाइनली हम लोग का जो फोन है फाइनली यहाँ पे ओपन हो चुका है, जो कि आप लोग इसमें देख सकते हो यहाँ पे रियलमी लिख के आ चुका है और थोड़ा सा वेट करोगे तो यहाँ पे फोन भी मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फोन ओपन हो चुका है। पासवर्ड मांग रहा है तो मैं फटाफट से पासवर्ड को डाल देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे डाल चुका हूँ। पासवर्ड वगैरह डालने के बाद देखो यहाँ पे फोन फाइनली यहाँ पे ओपन हो चुका है कुछ इस टाइप से, और अब मैं इसको चार्ज में लगा कर देखता हूँ ये चार्ज उठाता है फिर नहीं होता है, उठाता है। ठीक है, चलो मैं आपको चार्ज में लगा कर दिखाता हूँ कि ये चार्ज लेता है फिर नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको, ओ भाई क्या हुआ रे, तो भाई इसको यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पे देख सकते हो चार्ज मेरा फटाफट से उठाना स्टार्ट हो चुका है, 60% दिखा रहा है और यहाँ पे मेरा चार्ज भी हो रहा है। ठीक है, तो कुछ स्टेप से गाइस आप लोग इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो सही है, नहीं होता है तो आप लोग सर्विस सेंटर जाके इसको ठीक करा लेना। ठीक है, तो भाई देखो जितना भी कुछ था सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो मिलते हैं और वीडियो अंदर के लिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।